डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमारा जो ये है थर्ड चैप्टर रसखान पदावली, जो एक कविता थी और रसखान जी के द्वारा रचित थी, हमारा समाप्त हो चुका है, जिसमें हमने रसखान जी का जीवन परिचय पढ़े और पांच जो थे वो पद थे, सवैया वाले पद है ना, वो हमने पढ़ चुके थे। अब हम उसको एक संक्षिप्त में उसका सार बता देते हैं आपको, और उसके बाद हम पद्यांश के अर्थ आप लोगों को लिखवा देंगे। सबसे पहले पद में बताया गया था कि जो रसखान जी है वो अपना पुनः जो जन्म मतलब अगर होता है उनका, तो वो कहते हैं कि वो मेरा जन्म है, ईश्वर मुझे ब्रज के रूप में ही, ब्रज में गाँव में ही देना। दूसरा जो पद था, उन्होंने कहा है कि उन्हें ब्रज की, चाहे वो लकड़ी हो, श्री कृष्ण की लकड़ी हो या कंबल हो, जो भी चीज़ें हैं और या ब्रज के लोगों की, वह सब मुझे इतनी अधिक प्रिय है कि मैं उसके लिए अपने आठों प्रकार के सुख को और नवों प्रकार की निधि या खजाने को जो है निछावर करने के लिए भी तैयार हूँ। तीसरा जो पद था, उसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही थी कि यदि तुम मुझे श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहोगे तो मैं सब रूप धारण कर लूँगी, लेकिन मैं उनकी बंसी को, अपने बांसुरी को उनकी, अपने ओठों पर, आधार पर नहीं रखूँगी, क्योंकि उनकी बांसुरी जो है मुझे सौत के रूप में लगती, क्योंकि वो दिन रात उस बंसी को अपने ओठों से लगाए रखते हैं। चौथा जो पद था, उसमें बताया गया है कि जिस कृष्ण को अनादि अनंत तक, यानी ब्रह्मा जो है, ईश्वर जो है, वो तक पार नहीं पा सके, तो ऐसे श्री कृष्ण को ब्रज की जो छोटी छोटी ग्वालाएँ हैं थोड़े से छाछ या मक्खन के लिए नाच नचाती है। और जो पांचवा पद है वो हमने पढ़ा था, यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया था कि श्री कृष्ण जो है अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ ही साथ ये बताया गया था कि उस कौवे के भाग जो है बड़े बलशाली हैं, उस कौवा जो है बड़ा किस्मत वाला है कि वह भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छुड़ा कर ले जाता है। तो ये जो है हमने आपको आज मतलब संक्षिप्त में भी समझा दिए। अब हम जो है पद्यांश के अर्थ जो हैं वो करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये सुन लीजिए आप लोग कि जो एट क्लास तक के हमने पद्यांश के अर्थ लिखे, उसमें सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखी जाती थी, लेकिन अब हम नाइन्थ क्लास में आ गए कि हाई स्कूल की क्लास में आ गए हैं, इसलिए अब हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके बाद एक काव्य सौंदर्य, जिसको विशेष भी बोलते हैं, वो भी लिखेंगे, जिसमें कि एक वो जो पद्यांश है उसका सार रूप में भी बताया जाता है। तो अब आप लोग इसको लिखना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये डालिए पंक्तियाँ, ये लिखिए, जैसे हमने मानुष हो तो से डैश लगा के कोडारन तक, यानी ये जो एक दो तीन चार चार लाइन आपको डैश करके लिखना है। अब उसके बाद हमको संदर्भ डालना है ना, संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक जो है, क्या नाम है पाठ्यपुस्तक का आपकी, बासंती, बासंती जो है आपकी पाठ्यपुस्तक है उससे लिया गया है, और इसके बासंती के रसखान पदावली से लिया गया है, और इसके कवि रसखान कवि हैं। अब प्रसंग में लिखेंगे हम कि कवि रसखान जो है अपने अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह अपना हर जन्म जो है ब्रज भूमि के में ही व्यतीत करना चाहते हैं, यानी उनका जन्म हो तो वह, उनका जन्म कहाँ होना चाहिए, ब्रज की भूमि में ही होना चाहिए। आगे व्याख्या लिखेंगे अपन, कवि रसखान कहते हैं कि यदि उन्हें अगला जन्म मनुष्य का मिले तो वह गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही मैं रहूं। आगे, यदि अगला जन्म उनका पशु के रूप में मिले तो मेरा कोई बस नहीं, मैं प्रतिदिन बाबा नंद की गायों के बीच में ही चरूं, है ना। उसके बाद, हे ईश्वर, अगला जन्म मेरा यदि पत्थर का लूं तो मैं उस गिरिराज पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने के लिए हाथ पर छत्र के रूप में उठा लिया था। उसके बाद बोलते हैं कि यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं यमुना नदी के तट पर स्थित कदम की जो डाल है या पेड़ है, पेड़ की डालियां हैं, उस पर ही मेरा बसेरा हो। इस प्रकार से उन्होंने समझाया था। आप लोग अभी जितना लिखते बनेगा इस वीडियो से लिख सकते हैं, उसके बाद हम आपको फोटो भी जो है भेज देंगे। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है वो आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे, है ना।
काव्य संदर्भ जैसे अपन ने लिखे संदर्भ प्रसंग व्याख्या और आखिरी में काव्य संदर्भ। तो काव्य संदर्भ में लिखेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट में रसखान जी ने ब्रजभूमि में रहने की इच्छा प्रकट की है, है ना, इस पद के अनुसार ये बताया गया। दूसरे पद में भाषा में लिखो ब्रज भाषा, तीसरे पद में लिखो छंद में सवैया छंद, और चौथे में लिखो रस जो है शांत रस, है ना, और आखिरी पांचवा जो पद है, पांचवा जो है पॉइंट, उसमें लिखेंगे आप अनुप्रास अलंकार। यह आपका फर्स्ट जो है पद्यांश का अर्थ वो हो गया। अब जो दूसरा है उसमें आप डालेंगे या लकुटी डस डस लगा के लिखेंगे ऊपर वारो, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। अब संदर्भ में अपन लिख देंगे पूर्वानुसार, पिछले बार भी हमने क्लास में आपको बताया था उसको कि हम क्या लिखेंगे, पूर्वानुसार यानी पहले के अनुसार, लेकिन एग्जाम में हमको पूर्वानुसार कहीं पर भी नहीं लिखना है, यहाँ बार बार कॉपी में ना लिखना पड़े क्योंकि वो वही चीज़ लिखी जाएगी, इसलिए आपको मतलब हम यहाँ पर पूर्वानुसार लिखा दे रहे हैं। अब इसमें सेकंड वाले में प्रसंग रहेगा रसखान कवि जो है कृष्ण की प्रत्येक वस्तु चाहे वो लाठी हो, कंबल हो, गाय हो, वन बाघ हो तथा करील के कुंज हो, पर तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हैं, ठीक है। अब व्याख्या में लिखेंगे अपन रसखान कवि कहते हैं कि वे कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज त्याग देना चाहते हैं। आठों सिद्धि तथा नवो निधि, निधि मतलब होता खजाना, का सुख बाबा नंद की गाय चराने के सुख पर त्यागने को तैयार हैं। आगे लिखिए रसखान अपनी आंतरिक इच्छा बताते हैं कि जाने कब उन्हें ब्रज के वन बाग तालाब देखने का अवसर मिलेगा, ना? वह ब्रज के करील के कुंजों के ऊपर करोड़ों सोने के महल नछावर करने को तैयार है। तो ये आपका सेकंड वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसका काव्य सौंदर्य लिख लीजिए। फर्स्ट में लिखेंगे रसखान कृष्ण की प्रत्येक वस्तु पर अपने समस्त सुख त्यागने को तत्पर है यानी तैयार है। सेकंड में भाषा ब्रज भाषा ही रहेगी। थर्ड में छंद छंद दोहा मतलब सवैया रहेगा, और फोर्थ में रस जो है शांत रस आ जाएगा इसमें, उसमें भी शांत रस था, और आखिरी में अनुप्रास अलंकार। तो ये जो है दो पद आपके लिखा के कंप्लीट हो गए हैं। अब तीसरा जो पद है वह हम कल लिखेंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।